आज का हमारा रिव्यू जो है वो पतंजलि की एलोवेरा जेल से रिलेटेड है। ये वाले जेल का यूज़ देखो, आप ये दिख रहे हो, हमने काफ़ी टाइम से किया, ऐसे बहुत सारे खाली पैक हमारे पास मिल जाएंगे क्योंकि मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैं इसका आज आपको डिफरेंट यूजेस कुछ बताऊँगी जिसमें मुझे बड़ा यूज़फुल लगा है। ये बहुत बड़े बड़े जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं उस पर एक बार अप्लाई करने से कुछ हद तक काफ़ी रिलीफ, जो जलन वाले फोड़े होते हैं या फेस पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसमें मैंने मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके अलावा हमने इससे एड़ियों में लगाने की क्रीम भी बनाई थी। हमारी हील्स में जो दरार आ जाती है, एड़ी में दरार आ जाती हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं अगर ठीक नहीं हो रही हैं, तो ये वाला जेल का यूज़ किया था। लेकिन इसके अगर आपको ये जेल लेना है या फिर आपके पास ओरिजिनल एलोवेरा मिल जाता ना, जो ऐसा होता है, इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, इसमें से जो आप जेल निकालते हो वो मिल जाए तो और भी अच्छा है। लेकिन वो वाली जेल यदि आपको नहीं मिलती है तो आप ये वाला जेल यूज कर सकते हो। आज ऑनेस्टली मैं आज आपको इसका रिव्यू बताऊँगी कि मुझे ये जेल कैसा लगा। मैंने इसका जो एक और दूसरा जेल आता है येलो कलर का, वो भी यूज़ किया था, लेकिन प्राइस वाइज मुझे ये ठीक लगा है, तो इसके कुछ प्राइसेस कम हैं ये। लेकिन अगर आपके घर में ये वाले पत्ते हैं, एलोवेरा के पत्ते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है और ये बहुत ही आसानी से घर पर लग भी जाता है, जिसे हम एलोवेरा बोलते हैं और इसके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। इसे हमने हेयर जेल के रूप में भी प्रयोग किया है और मुझे अच्छा लगा है। और आप इस पे खुद भी देख सकते हो, देखो पिंपल्स लिखा हुआ है, रिंकल्स के लिए, जब चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाती हैं उसके लिए भी अच्छा है इसका प्रयोग करना, और त्वचा के लिए, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा हमने इसे पाया है। इससे त्वचा में चमक बन जाती है और अगर हम धूप में बाहर जा रहे हैं और साथ में एलोवेरा जेल का यूज़ कर रहे हैं तो चेहरे पर एक स्किन पर फिल्म सी बन जाएगी, इसकी यानी स्क्रीन बन जाएगा ये, तो ये सनस्क्रीन का काम भी करता है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है हमें। ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, मैं कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू आपको बताऊँगी जो मुझे अच्छे नहीं लगे हैं, जैसे कि हमने हैंड वॉश लिया था लाइफबॉय का, वो बहुत ही रद्दी निकला है, तो वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी कि उसमें क्या ऐसा है जो अच्छा नहीं लगा। अभी फ़िलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने और कंपनीज के जेल भी यूज़ किए लेकिन मुझे ये बेस्ट लगा है। पतंजलि के सारे ही सामान मुझे अच्छे लगते हों ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं मुझे कुछ प्रोडक्ट्स उनके अच्छे भी नहीं लगे, जैसा कि शैम्पू था तो शैम्पू मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। तो आप ये देख सकते हो, ये मुझे इस पर ये जो ग्रीन साइन होता है, ये शाकाहार का साइन है, प्योर वेज का साइन होता है और घृत कुमारी इसे कहते हैं। ये देखो आप, ये घृत कुमारी का स्वेरस बोला जाता है, और अगर आप देखेंगे तो इसका मॉइस्चराइजिंग जो तत्व है इसके बहुत ही अच्छे हैं और चेहरे पर इससे मसाज किया जा सकता है। विधि क्या है, सोने से पहले चेहरे पर एक लेप सा बना करके छोड़ दें और सुबह उठ करके इसे गुनगुने पानी से धो लें, तो इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और सुबह भी नहाने से पहले 30 मिनट तक इसे चेहरे पर लगा करके रखें, उसके बाद स्नान करें, तो ये भी उसका ये यूज़ भी है। त्वचा के विकार हैं, जैसे हम खुरदरापन है, किसी की स्किन खुरदरी हो गई है, दाग धब्बे हैं, और इन सब में यह इसका 5 से 7 मिनट तक मसाज करने के लिए बताया गया है। बालों की समस्याओं में आप देखो, मुझे बालों के लिए बहुत ही अच्छा लगा है और मैंने यूज़ भी करके देखा है, मुझे अच्छा लगा। इसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करके यदि आप बालों में लगाते हो तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। बाल झड़ते हैं, जिनके बाल झड़ते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, उन्हें ये वाली जेल जो है पतंजलि के ही कोकोनट वर्जिन जो ऑयल आता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, उसमें मिक्स करके आप अप्लाई कर लीजिए। इसके अलावा बाल झड़ रहे थे मेरे बेटे के, तो उसने
हाँ, जो इसका तेल आता है केश तेल, वो भी इसी में जेल में मिक्स करके लगाया था और बिल्कुल बिल्कुल बाल झड़ना बंद हो चुके हैं। ऑनेस्टली मैं आपको ये बात बता रही हूँ, और जिनके बाल नहीं बढ़ते हों, कमज़ोर हों, डैंडर्फ हों, उन सब के लिए 15 मिनट्स तक इसे सिर में लगा करके छोड़ दें। और फिर जो नॉर्मली जो इसका शैम्पू मुझे अच्छा नहीं लगा है, आफ्टर जब ये आप ये लगा चुके हों तो उसके बाद इसका शैम्पू यूज़ ना करें। या मुझे रीठे का हमने यूज़ किया था, तो रीठा पाउडर खुद बनाया, जो मार्केट से रीठा पाउडर लिया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला है, बहुत ही रद्दी टाइप के बाल हो जाते हैं उससे। तो आप हो सके तो खुद रीठा लेकर के उसे टुकड़ों में करके ब्लेंडर से ब्लेंड करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना लीजिए अपने मिक्सर में। तो उसके बाद हमने रीठे का जो घोल बनाया था उससे बालों को धोया, और जो बाल झड़ना थे बिल्कुल बंद हो चुके थे। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो ओनली केश तेल से बिल्कुल भी बाल झड़ना रुक जाते हैं। जिनके ये प्रयोग जो है छोटी उम्र पे भी किया गया है, और जो जिनकी एज लगभग 50 या 40-50 के बीच के जो लोग हैं जिनके बाल झड़ जाते हैं उनके भी वापस आ गए हैं बाल पतंजलि केश तेल से, जिसमें हमने ये मिक्स करके लगाया था। तो इसका मुझे कुल मिला करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, और रेडीमेड है, कुछ भी करना नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पत्ते मिल जाते हैं उसका भी जेल आप लोगे फिर उसको तेल में मिक्स करके लगाओगे तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और वैसे भी आप इसे अप्लाई कर लेंगे बालों में वॉश करने से पहले तो ये बहुत अच्छे बाल आपके बनाएगा, स्किन भी बहुत अच्छी बनाएगा। और इसे लगाने के बाद यदि वॉश ना भी करें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने अप्लाई कर रखा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो सभी को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लेना। और ये 150 ml हमें मिला है, इसके प्राइसेस भी मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत महंगा नहीं होता है, सस्ता ही होता है ये। ₹90 का मिला है ये, तो ज़्यादा रुपये भी नहीं है, 90 रुपये में मिला है। थैंक यू।